बदनाम वही लोग करते हैं जिनका नाम हमारे ही नाम से है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ बयां आ रहा है पवन सिंह के फैंस की तरफ से। आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब और आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक समय था, वह समय था पवन सिंह और अक्षरा सिंह का, जब अक्षरा सिंह नई नई इंडस्ट्री में आई थी। तो पवन सिंह इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने अक्षरा सिंह को मौका दिया और भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा चांस दिया पवन सिंह ने। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही अक्षरा सिंह आगे बढ़ती गई, पवन सिंह उनका साथ देते गए। एक समय आया 2016 से पहले की बात कह रही हूँ, 15 की बात है, पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक गाना आया। अक्षरा सिंह ने गाना गाया था कि नाचम पवन सिंह के गाना पे, जो कि बोलबम सॉन्ग था। वहीं से अक्षरा सिंह जी की जर्नी शुरू हुई गाना गाने की। लेकिन बता दूं कि गाना तो काफ़ी धमाकेदार रहा, लेकिन साथ ही साथ अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जोड़ी सुपर डुपर हिट होती चली गई। 6 मार्च 2017 को पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से हो गई और उसके बाद से दोनों में अलगाव हो गया। उसके बाद से अक्षरा सिंह ने बहुत सारे आरोप लगाए पवन सिंह पे, लेकिन पवन सिंह ने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। आज अक्षरा सिंह गाने गा रही हैं, सुपर हिट है, लेकिन वो भूल चुकी हैं कि वो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसके कारण है वह नाम है पवन सिंह का, और उसी नाम को यह बदनाम करने में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पवन सिंह के फैंस हैं जो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और वो चाह भी नहीं रहे हैं कि पवन सिंह के बारे में कोई गलत बोले। लेकिन कहा जाता है ना कि आज का ज़माना है नेकी कर दरिया में डाल, और वही चीज़ फिर से साबित हो रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और चलिए अगली खबर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।